अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है फिर एक बार रिदा के ब्लॉग में। हम लोग आ गए रामपल्ली एग्जीबिशन, देख सकते हैं कितना खतरनाक क्राउड है। ये क्राउड को पार करते हुए हम लोग अंदर जाना है। अंदर जाने के लिए तो हम लोग आगे टिकट लेने की बारी है, यहाँ से टिकट लिए बस अंदर जाने का रहता। 40 रुपीज पर हेड टिकट है। हम लोग तो टिकट ले लेके अंदर आ गए। आगे बस देख सकते हैं बहुत जबरदस्त लाइटिंग के साथ बहुत जबरदस्त दुकाना भी लगे हुए हैं यहाँ पर। पिस्ता वाले तो पूरी होटल लाके यहाँ रख दिए, बोले सा दिख रहा था एकदम लाइटिंग के साथ। हर एक स्टॉल पे जबरदस्त क्राउड भी था देखने के लिए, पब्लिक भी जबरदस्त आई थी एग्जीबिशन को। हम लोग देख रहे थे बाजू से चिक 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 बोल के ट्रेन में निकले। यहाँ पर क्या की भोतीज पब्लिक दिख रही बोल के जाके खरीब से देखे तो इन्हें क्या कर रहे थे बोले तो अब चल रहा था आइटम है ये शायद आलू को खाली काट के क्रीम डाल के उसके मसाला डाल के तल के दे रहे हैं। आखिरी महंगा आइटम है ये एग्जीबिशन बोले तो बच्चों के लिए और लेडीज के लिए है कल एग्जीबिशन। मर्दों के लिए तो यहाँ पर क्या भी नहीं दिख रहा था। हमारे मम्मी तो देखते ही यहाँ चले जा रहे थे वहाँ चले जा रहे थे, ये खरीद लेंगे वो खरीद लेंगे बोल के हमारे बाबा को जो है ना हैबत खिला दे रहे थे। हमारे पापा भी थोड़ी देर के परेशान हो रहे थे क्या क्या ये खरीद लेते क्या क्या बोल रहे ये बोल के। उसके बाद यहाँ पर बड़ों के वास्ते भी जबरदस्त गेम है, बड़े बच्चे कोई भी सुनते नहीं बोल रहे ये गेम खेल लेते वो गेम खेल लेते। मगर कोई भी गेम खेलने गए तो 150 रुपीज से शुरू है। यहाँ पर एक बॉल लिए तो 150 रुपीज है। ये बॉल जो है ना ये टपों में डालना है, टपों में डाले तो टेडी बेयर वो है बल्कि आखिरी आज बता के पब्लिक को अट्रैक्ट कर दे रहे हैं। पब्लिक भी क्या है सुन रही नहीं समझ रही नहीं, पैसे लगा के खेलना भी चालू कर दे रही। खेले तो कुछ भी आने का तो नहीं है। मगर हमारे बड़े भी क्या करे ये कपड़ों का स्टॉल देखते ही रुकी गए वहाँ पर। कपड़े खरीदती हूँ तो खरीदती हूँ बल्कि हमारे बड़े पापा फिर समझा बुझा के बांध ले लेंगे यहाँ पर महंगे रहते बोल के। उसके बाद जो है ना लेडीज आइटम तो इतना कूट कूट के भर दिए ना इन लोगों लेडीज कहाँ देखे तो वहाँ जिप 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 बल्कि रुक जा रहे। हमारे मम्मी भी ले लेके चले गए देखो अंगूठिया वो लेते बोल के। हमारे मम्मी भी क्या है मेरे को किधर बोलते उधर ले लेके चले आ रहे। हमारे बाबा जल्दी जल्दी पीछे भाग लेते आना पड़ा। लास्ट में हम लोग पहुंच गए झूलों के पास। झूले तो बेहतरीन झूले है, कोई सा भी झूला दे रहे तो इसमें बैठ जाना क्या उसमें बैठ जाना क्या बोले ऐसा दिख रहा था। मगर क्या है क्राउड भी वैसे साथ झूले भी बहुत जबरदस्त लाइटिंग के साथ ऐसा सजा है। झूले झूले कम फोटो लेने के ऐसे ज्यादा आए यहाँ पर लोग बोले ऐसा दिख रहा था। और पब्लिक तो पब्लिक ही सी पूरे लेडीज भरे हुए हैं। ये झूला है देखो खतरनाक सबसे खतरनाक दिख रहा था ये झूला है। इसमें जितने भी जने बैठे ना इला उतरे बाद सबको एक एक हार डाल के इन लोगों की आरती उतारना है। कई को बोलते इन लोग हथेली पे जान ले लेके बैठे हुए हैं। ये झूला देख रहे तो हम लोगों को चक्कर आ रही थी इन लोग बैठे कैसा होगा वो सोचना है इसमें। कई को बोलते आप लोग देखो आगे खतरनाक कैसा झूला रहा है। उसके बाद इन लोगों के चीखा सुनो, चीखा सुने बाद से आप लोग डिसाइड करो इन लोग कैसा झूले होंगे इसमें। देख रहा ना कितना जबरदस्त खतरनाक झूला दे रहा है। लास्ट में पलटिया ही मार दे रहा कितने जने क्या क्या कर लिए कि उल्टा उल्टा करते होंगे बल्कि टेंशन हो रही थी। हम लोग नीचे ठहर के वीडियो ले रहे हैं तो ऊपर आके गिरेगा बोले था टेंशन हो रही थी। ये झूला मेरे को थोड़ा हेल्दिक दिखाई क्या करता बल्कि हम लोग ठहर के देखे। मगर ऊपर हल्लू ले गया नीचे लाके छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग अभी जबरदस्त पूरे झूले देख लिए करे बाद से। हमारे मम्मी बोले थोड़ा आगे देंगे चलो देखेंगे आगे क्या क्या है और बोल के थोड़ा आगे जा रहे थे। हम लोग जाते आते देखे तो कान देखे तो वहाँ बच्चों के बड़ों के सब चीजा झूले जैसा सबके आगे झूले बेहतरीन थे। और लाइटिंग तो माशाल्लाह पूछो लोग को। उसके बाद क्या है हमारे मेरे को दीदी ले लेके थोड़ा बोले मैं फोटोज लेती हूँ रिदा के साथ बोले तो हमारे मम्मी मेरे दीदी के गोद में दिए। उसके बाद मम्मी बोले चलो मैं मौत का कुआं देखती हूँ तो पापा चलो देखेंगे बोल के टिकट तो ले लिए। उसके बाद हमारे मम्मी क्या है मौत का कुआं देखने के वास्ते मौत को पार करना है क्या बोले ऐसा सोच रहे थे। कई को बोलते इतने खतरनाक इसके सीढ़ियां थे चढ़ते पर हैबत हो रही थी कान गिर जाती थी बल्कि देखे ना कितनी ऊपर आ गई। हम लोग ऊपर से ये नजारा है देखो मौत का कुआं जब देखने आए मेरी हालत देख रहे ना कैसा कर दिया हमारे मम्मी हैबत ने डाल के दबा दिए तो मेरी ऐसी हालत हो गई। फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच गए। ऊपर पहुंचे बाद से देखो अब चालू होने वाला है मौत का कुआं। ये मौत के कुआं जो है ना कैसा करते कि भाई इन लोग हिम्मत की दाद देना इन लोगों की। कई को बोलते जान हथेली पे लेके ना जो गाड़ियां चलाए ना वो गाड़ियां जो चलाए उसको देख के हैबत हो रही थी अब इन लोगों क्या भी हो जाएगा अब इन लोगों क्या भी हो जाएगा बोले सा। मगर वाकई तारीफ करना इन लोगों की जो स्टंट करे ना इन लोग बहुत जबरदस्त स्टंट करे। कि ये 100 रुपीज इसकी टिकट है मगर ये देखे बात से दिख रहा 100 रुपीज भी बहुत कम है। पैसा वसूल परफॉर्मेंस दिए इन लोग बहुत जबरदस्त गाड़ियां चलाए देखो आप लोग पब्लिक भी कैसा चीख रही थी। और गाड़ियों की आवाज सुन के मेरी हैबत चालू हो जा रही थी वो स्पीड से गाड़ियां चला रहे। आप लोग सुनो आवाज कैसी आ रही लाइट
देख रहे हैं आप लोग कैसा फिरा रहे हैं भाई का, अभी जबरदस्त मजा तो जमा आया। ये कारण जब चालू हो गए लोग ये राउंड मार रहे थे ना हम लोग, और हेलमेट क्या है बोल तो कारण स्टार्ट हुए बस से, कारों में से पब्लिक उन लोग चलाने वाले ऊपर आगे ठहर गए, तो आखिर समझ में नहीं आ रहा था कार चला रहा कौन, टार्जन की कार लागे फिरा रहे हैं क्या बोले, ऐसा दिख रहा था ये खतरनाक फिरा रहे थे कारण भी। देखो आप लोग आवाजा में अब बेहतरीन आवाज आ रही थी, वो पूरा हिल रहा था। देखो चालू हुए कारा जबरदस्त तरीके से, अब देखो क्या फिरा है लोहा कारा, और हेलमेट है ये कारों में से नीला निकल के बाहर ठहर गए, तो आखिर चला रहा कौन ये कार समझ में नहीं आ रहा था, टार्जन के कारण दिख रहे थे ये, मालूम करना पड़ेगा लोहा कारा किधर से लेके आते, ये अपन भी एक ला लिए तो क्या ऐसा मौत का कुआं चला ले सकते, क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में बोलो ये। और ये साल एग्जीबिशन को कौन कौन जाके मौत का कुआं देखे और पूरा एग्जीबिशन देखे जरा कमेंट में बोलो, कैसा दिखा आप लोगों को एग्जीबिशन। सेकंड पार्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा, कई को बोले तो ये वीडियो अब पूरा ये वीडियो में बताने की कोशिश करी तो मैं बहुत लंबी वीडियो हो जाती, और उसमें क्या है इतना टाइम किसके पास भी नहीं रहता, तो अपन क्या करेंगे बोल तो पार्ट टू एग्जीबिशन पार्ट टू बना के नेक्स्ट वीडियो में पूरा एग्जीबिशन का बताऊंगी मैं आप लोगों को, हम लोग क्या क्या करें इसके बाद मौत का कुआं देखे बाद क्या क्या करें। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।